अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ चिकन हांडी। इसके लिए मैंने हांडी ली है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी हांडी लें, आप कढ़ाई में भी बना सकती हैं और किसी पैन में भी बना सकती हैं, लेकिन ये कि मैंने हांडी ली है। हांडी है आपके पास तो सही है। उसमें मैं डालूँगी 1/3-4 कप ऑयल, सारा ऑयल डाला इसमें। उसके बाद जब ये ऑयल गरम हो जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगी एक ये बड़ी इलायची, इतना बड़ा पीस एक दालचीनी का, 5-6 लौंग, 2 छोटी इलायची, 4 चीज़ें, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची, ये डाल दूंगी मैं ऑयल में। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, कड़कड़ाएंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 200 ग्राम चिकन। अब चिकन को इसमें उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका थोड़ी देर इसमें पकेगी, इसका ढक्कन ढक देते हैं, फिर आप 5 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए अभी चिकन का कलर चेंज हो गया है, ये वाइट वाइट सी हो गई है। इसको इसमें भून भी लिया है। इसको इस तरह करने से ना, इसको अगर ऑयल में जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं चिकन को, तो फिर चिकन टूटती नहीं है। और कच्ची चिकन में सारा मसाला डाल देंगे, इसको फ्राई नहीं करेंगे, तो इसके ये गल जाती है जब टूटती ज़्यादा है, और फ्राई कर लेंगे तो फिर ये गल भी जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। जब ये फ्राई हो जाए, इस तरह कलर चेंज हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद लाल मिर्च, ये तीनों जाएंगे इसमें। इसको थोड़ा सा चलाया, अब इसमें जाएगी 200 ग्राम पिसी वो सॉरी फिटी हुई दही। ठीक है, इस दही को अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। 200 ग्राम दही, और इसको भूनेंगे। और हल्की आंच करके इसको चिकन को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे इसको गलने में, फिर बताते हैं इसके आगे क्या करेंगे। ये देखें, अभी ये मैंने चिकन डाली थी हांडी में, ये चिकन गल गई है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। इसको निकाल के और ये ऑयल और जो मैंने साबित थोड़े से गरम मसाला डाला था, अभी वो इसके अंदर है। एक बोटी और है, इसको भी निकाल दें। अब मैंने 3 टोमेटो का पेस्ट बनाया है, ये इसमें डाल देंगे। अब इसको भूनेंगे। जब ये टोमेटो पेस्ट जो है वो भून जाए, फिर हम इसके अंदर ये चिकन वापस डाल देंगे। अभी इसको ढक देते हैं और ये भूनता है, तो फिर इसके बाद आपको बताते हैं किस वक्त अब क्या करना है। पहले इसे भूनने देंगे बस पहले। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो हमने इसमें वो डाला था, प्योरी डाली थी, टोमेटो प्योरी, वो भी भून गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम और 1 टीस्पून, ये टीस्पून है ना, 1 टीस्पून बटर, और यही वाला स्पून जो है 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम हम इस टमाटर वाले मिक्सर में डाल देंगे। और चूल्हा जो है आज बिल्कुल स्लो है, दम वाली आँच। अब इसको मेल्ट होने देंगे।
जब ये सब मेल्ट हो गया तो हमने जो चिकन निकाली थी वो भी इसमें वापस डाल देंगे। थोड़ा सा चूल्हा तेज करेंगे। अब ये फ्रेश क्रीम और बटर के साथ ये चिकन पकेगी। गली भी तो है, बस थोड़ा सा ये ऑयल ऊपर आ जाए और थोड़ा सा ये पक जाए तो बस ये रेडी है। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरी चिकन हांडी रेडी हो गई है और इसमें जो है मैंने ऊपर से वो अदरक, तो मैंने जब मैंने इसको बंद किया था ना ढक्कन, थोड़ा सा दम पे लगाया था जब मैंने अदरक डाल दी थी, और बस अब सर्व करते वक्त सिर्फ हरी धनिया। ये अब तैयार है चिकन हांडी।